हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा में पानी की समस्या काफी पहले से चली आ रही है। कभी ज्यादा पानी तबाही मचा देता है तो कभी पानी की कमी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है, लेकिन अब ये समस्या जल्द ही हल होने वाली है। हरियाणा में अब जल संकट दूर होने वाला है। सरकार ने इसके लिए नया प्लान बनाया है। जल संकट को खत्म करने के लिए सरकार ने एक और डैम बनाने का फैसला किया है। सीएम मनोहर लाल मंगलवार को हथनी कुंड बैराज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के बाद सीएम ने इसकी जानकारी दी। नया डैम हथनी कुंड बैराज के ऊपर से बनाया जाएगा। हालांकि हथनी कुंड डैम पहले से बना हुआ है, लेकिन रिजर्वायर में पानी रखने की क्षमता काफी कम है। बारिश के मौसम में जब पानी का बहाव होता है तो कई बार नहरों का पानी भी बंद करना पड़ता है, जिससे पानी का लेवल बढ़ जाता है। पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। सीएम ने बताया कि कैसे इस डैम के बन जाने से ये समस्या दूर हो जाएगी। रिजर्वायर में रोक पाते हैं, देखा जाए तो बहुत कम मात्रा, और वर्षा के दिनों में पानी का जो बहाव होता है, हम देख रहे हैं कि इस डैम को कई बार नहरों का पानी बंद करना पड़ता है और 8-8 लाख क्यूसेक पानी इस लेवल तक भी पहुंच जाता है जो यमुना नदी में छोड़ा जाता है। आगे जाकर के कई बार बाढ़ के कारण से तबाही भी करता है। डैम के बनने से न सिर्फ बाढ़ जैसी स्थिति पर काबू पाया जाएगा, बल्कि पानी की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। यमुना नदी पर अभी तक कोई भी वाटर स्टोरेज डैम नहीं बन पाया है, जिस कारण मानसून सीजन में यमुना नदी का लाखों क्यूसेक पानी बिना किसी इस्तेमाल के व्यर्थ बह जाता है। डैम का निर्माण होने के बाद पानी को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ऊंचा डैम बनाया जाए जी, और थोड़ा सा पीछे हट के बनाया जाए ताकि पानी ज्यादा रोका जा सके। बरसात का पानी रोकने के बाद रेगुलर सप्लाई उसकी, जो हमें वर्षा के बाद लगभग 2000 क्यूसेक ही मिलता है, अगर एक अच्छा डैम यहाँ बनता है तो हो सकता है 500-600-700 क्यूसेक पानी इसमें और बढ़ जाए। डैम बनाने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर अपर यमुना रिवर बोर्ड ही लेगा, जिसके सदस्य हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर ये डैम बन जाता है तो पानी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।